आज डिब्रूगढ़ में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो रहा है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर प्राकृतिक संपदा का वैल्यू एडिशन है और असम के नौजवानों के लिए रोजगार की अनेक अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस दो प्रोजेक्ट के कारण पूरे हिंदुस्तान में स्वाभाविक आनंद है तो असम में सर्वानंद है, क्योंकि ये राष्ट्र की विकास यात्रा में बल देता है। अब सचमुच में तो इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन का अवसर मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये इकाई आज से 25 साल पहले हो गई होती, उस समय के प्रधानमंत्री को इसका अवसर मिला होता तो यहां पर इतने नए नए उद्योग आए होते, यहां इतने लोगों को रोजगार मिला होता और पिछले 25 साल से यहां सर्वानंद का माहौल होता। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे काम उसको पूरा करना ये शायद मेरे ही सौभाग्य में लिखा हुआ है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, हम योजनाओं को समय से पहले सोच नहीं पाते हैं। अगर मजबूरन सोचते हैं तो योजना परिपूर्ण करने का रोडमैप नहीं बना पाते। फिर भी अगर हो गया तो घोषणा करते हैं, घोषणा करने के बाद सालों साल शिलान्यास के लिए इंतजार होता है, शिलान्यास होने के बाद पूर्ण होने में सालों लग जाते हैं और बाद में लोग भूल जाते हैं, तब जाकर के उद्घाटन की नौबत आती है और उसके कारण जिस काम की लागत 500 करोड़ होनी चाहिए वो 1100 करोड़ तक पहुंच जाती है और इतने विलंब के कारण देश के अर्थकारों को जो नुकसान होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आज यही प्रोजेक्ट 25 साल पहले पूरा हुआ होता और 25 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ होता तो शायद आज यहां पर दूसरी पीढ़ी के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ गया होता। एक पूरी पीढ़ी बेचारी चली गई और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि विचार किसी को भी आया हो, सपना किसी को भी आया हो, शिलान्यास किसी ने भी किया हो, लेकिन देश का भला उसमें है कि हम इन सारी चीजों को परिपूर्ण करें और लोगों के सपनों को साकार करें। और इसलिए मैं भारत सरकार में एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं आजकल और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर खुद बात करता हूं
और ऐसे जो अटके पड़े प्रोजेक्ट हैं, किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष प्रयास करता हूं। पिछले दिनों कुछ अखबारों ने लिखा था कि लाखों करोड़ों के स्टॉल प्रोजेक्ट अब उस कैद खाने से बाहर निकले हैं और तेज गति से परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये प्रोजेक्ट भी है जिसका आज उद्घाटन संभव हुआ है। आने वाले दिनों में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है, तेज गति से प्रगति करनी है, समय रहते अगर प्रगति करनी है, तो भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जो है उसका तो विकास हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो पूर्वी छोर है, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हो, अगर इसका विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, इस पर सबसे ज्यादा बल देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और तभी भारत जाकर के भारत का संतुलित विकास होगा, भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और इसलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को न सिर्फ हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके के साथ सटे हुए देश जिनके साथ सहज रूप से हमारे व्यापारिक संबंध यहां से विस्तृत हो सकते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर मलेशिया हो, उधर इंडोनेशिया हो, ये सारे देश हमारे इस भूभाग के विकास के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसलिए लगातार भारत इन देशों के साथ भी उन कामों को बल दे रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहा है कि जिसके कारण भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, भारत का जो पूर्वी इलाका है, उसमें एक नई विकास की दुनिया खड़ी हो जाए। और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारत की आजादी के बाद कभी भी सोचा न गया हो, दिया न गया हो, इतना रेलवे का बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाया है, क्योंकि अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट सहज रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में उसकी विकास यात्रा रुक जाती है। यहां के नौजवान होनहार हैं, सामर्थ्यवान हैं, बुद्धिमान हैं। अगर उनको अवसर मिल जाए तो आसाम को वो हिंदुस्तान का नंबर एक राज्य बनाने की ताकत रखते हैं। ये पॉलीमर का उद्योग एक प्रकार से वैल्यू एडिशन है,
भारत को जो विदेशों से लाना पड़ता है उसमें से थोड़ी बचत हो जाएगी और उसके अंदर मूल्य वृद्धि के कारण छोटे छोटे अनेक कारखाने लग सकते हैं। आज प्लास्टिक का युग तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक की खपत है उसकी तुलना में भारत की बहुत कम है। प्रति व्यक्ति मुश्किल से 10 केजी है। अगर विश्व के सामान्य औसत से मिलाना है तो यहां पर प्लास्टिक उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं अब प्लास्टिक के बड़े रूप में साकार हो रही है। यहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो और यहां के नौजवान में स्किल हो, छोटा छोटा कारोबार चालू करें, एक पूरा औद्योगिक विस्तार खड़ा हो जाएगा, लाखों नौजवानों के यहां रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हमने मुद्रा योजना को भी आरंभ किया है, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप योजना को आरंभ किया है। ये दोनों योजना ऐसी है कि इस उद्योग से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसके वैल्यूएशन के लिए जो काम करना चाहता है उसे मुद्रा से पैसा भी मिलेगा और स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप योजना की लाभ उसकी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसमें काफी कंसेशन है, बहुत सारे इंसेंटिव है और मैं आशा करूंगा कि आसाम के नौजवान इसके साथ जुड़े हुए उद्योग लगाने के लिए आगे आए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, डिपार्टमेंट से, कि यहां जो रॉ मटेरियल निकलेगा जिसका वैल्यूएशन होगा उसको सबसे पहले आसाम के नौजवानों को मौका दिया जाए और वे अगर उपयोग करते नहीं है तो अब जाकर के हिंदुस्तान में और भाग में ले जाया जाए। इतना बड़ा निर्णय आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है आसाम और नॉर्थ ईस्ट, हमारी प्राथमिकता है यहां पर विकास। आज किसी भी किसान परिवार में जाइए और उस परिवार में अगर 3 बेटे हैं और किसान को पूछो, 100 एकड़ भूमि होगी, उसको पूछो भाई बच्चों के लिए क्या सोचा है, तो किसान कहता है 1 बेटे को तो खेती में लगाऊंगा लेकिन 2 बेटों को कहीं शहर में बेच करके नौकरी पर लगा दूंगा ताकि उनके गुजारा चल जाए। यानी हर किसान अपने 3 बेटों में से 2 को किसी कारखाने में कहीं नौकरी पर लगाना चाहता है। किसान के इन 2 बेटों को रोजगार कम मिलेगा? क्या किसान का 1 बेटा तो कमाएगा, 2 बेटे भूखे रहेंगे? अगर किसान के 1 बेटे के लिए खेती है तो 2 बेटों के लिए रोजगार के लिए उद्योग लगाना भी अनिवार्य आवश्यक है। और इसलिए गांव का अगर भला करना होगा तो किसान के संतानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उसके लिए बड़े बड़े शहरों में उद्योग लगेंगे तो काम नहीं होगा। डिब्रूगढ़ जैसे छोटे छोटे स्थान पर भी हमने उद्योगों की जाल बिछानी पड़ेगी और हमारी सरकार की कोशिश है कि छोटे छोटे स्थान पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, उद्योगों का अवसर उपलब्ध कराना, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो, ताकि देश की आय बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदा की मूल्य वृद्धि की अनिवार्यता है वैसे भी व्यक्ति के जीवन की भी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। अनस्किल लेबर कम कमाता है, स्किल लेबर ज्यादा कमाता है और इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं। हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और स्किल के भरोसे
वो अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है और उसकी एक मांग भी बढ़ने वाली है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में विकास की इस यात्रा को तेज गति से बढ़ा रहा है भारत सरकार। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के केंद्र और राज्य मिलकर के देश को आगे बढ़ाए इस मंत्र को लेकर के, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के अविरत प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में उसके फल भी आपको मिलेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और राष्ट्र के चरणों में ये धरोहर, जहां एक जगह पर पॉलीमर तैयार होगा तो दूसरी जगह पर वैक्सीन का काम होगा और दोनों हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, उसमें कमी आएगी और देश की आवश्यकता की पूर्ति में ये भी अपना योगदान देंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसवा मेला ये चल रहा है अपना, और जहां तक मुझे पिछले मेलों का ध्यान में है, हर वर्ष उत्तरोत्तर मेला प्रगति की ओर होता है, उसमें संख्या बढ़ती है। इस बार भी मेला, और विशेष तौर पर इस बार ये बात है कि पहले 40 एकड़ का मेला होता था, इस बार इसमें 16 एकड़ जमीन और मिलाई गई है, 56 एकड़ में विस्तार किया गया इसका, इसलिए इस मेले को मैं समझता हूं।